हाय वीवर्स, जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे मसाला बोटी कबाब की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। आसान फूड रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मसाला बोटी कबाब बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 500 ग्राम मटन, हमने यहाँ पर बिना हड्डियों वाला गोश्त लिया है और हमने इस तरह की स्लाइसिस का इस्तेमाल किया है। अब हम इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। 1/4 कप दही, 2 टेबलस्पून तेल, 2 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, 2 टीस्पून कद्दूकस किया हुआ कच्चा पपीता जिसका हमने पानी अच्छे से निकाल लिया है, 1 फ्राई की हुई प्याज जिसको हमने मिक्सी में दरदरा पीस लिया है। और एक बात का ध्यान रहे कि जब हम प्याज को मिक्सी में दरदरा पीसेंगे तब हम इसमें 1 जावित्री का फूल भी ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मटन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने के बाद हम इसे 6 घंटों के लिए फ्रिज में रख देंगे। अगर आप चाहो तो इसे ओवरनाइट भी मैरिनेशन के लिए रख सकते हो। ये देखिए, इसे मैरिनेट किए हुए 6 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम एक स्कीवर लेके इस तरह से इसमें बोटी को इंसर्ट करेंगे। इस तरह हमने सारी बोटियों को स्कीवर में अच्छे से इंसर्ट कर लेना है। तो अब हमारी मसाला बोटी कबाब फ्राई करने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमने एक पैन में 3 टेबलस्पून तेल को अच्छे से गरम कर लिया है। अब हम इसमें सारे स्कीवर्स ऐड करेंगे और सेलो फ्राई कर लेंगे। हमने यहाँ पर गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है और इन्हें एक तरफ से 5 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई होने देंगे। पाँच मिनट के बाद हम इन्हें पलट कर दूसरी तरफ से भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, ये अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे तेल में से निकाल लेंगे और बाकी की जो बोटी है उसे भी हमने इसी तरह फ्राई करना है। अब इसे बारबेक्यू टच देने के लिए 5 से 7 सेकंड तक अच्छे से इसे सेक लेंगे और फिर इसे सर्व कर लेंगे। तो लीजिए, खाने के लिए तैयार है मसाला बोटी कबाब। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।